नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अंडरेट में, हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। हापुड़ में पानी भरने से रहवासी परेशान, अधिकारियों से शिकायत के बाद भी नहीं निकला कोई हल। राजगढ़ की मलावड़ थाना पुलिस की कार्रवाई, ट्रैक्टर सहित 5 मोटरसाइकिल की बरामद। चौपहिया वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से हुआ घायल। मंत्री विश्वास सारंग ने छात्रों को दी बड़ी सौगात, नर्सिंग या पैरामेडिकल छात्रों को पढ़ाई के दौरान मिलेगा बीमा कवरेज। हापुड़ के मोदीनगर रोड पर जसरूप नगर कॉलोनी में कई सालों से पानी भरे रहने की समस्या बनी हुई है। कॉलोनी वासी इस कदर परेशान है कि उनका आना जाना भी दुश्वार है। कॉलोनी वासियों ने कई बार इसकी शिकायत ग्राम प्रधान सहित सेक्रेटरी व अधिकारियों से की है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका है। इसी बात से नाराज कॉलोनी वासियों ने अब जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र देकर जल्द से जल्द कॉलोनी में पानी की निकासी सहित सड़क बनाने के लिए गुहार लगाई है। सर, यहाँ पर सफाई की व्यवस्था नहीं हो रही है, पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है और लगातार पानी इतना बढ़ गया है, ये पानी हमारे घर तक पहुंच रहा है। जल्दी आ रही है, 1.5 साल से ज़्यादा हो गया सर इसको। आपने से किसी प्रधान या सेक्रेटरी वगैरह से शिकायत की? प्रधान के पास में हम कई बार गए हैं, लेकिन उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब भी नहीं दिया है। और सेक्रेटरी साहब से? वो भी आए हैं, कई बार देख के गए हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पर आकर के काम नहीं करा रहा है। पानी इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, इसमें लगातार मच्छर पनप रहे हैं और इससे अनेक बीमारियाँ हो रही हैं। ये पानी की समस्या है। कितने दिन से समस्या है? 2 साल हो गए। आपने इसकी शिकायत कहीं करी? हाँ जी, प्रधान जी से। क्या आश्वासन मिला? कुछ नहीं मिला जी, बस हाँ कर देते हैं। हम बहुत परेशान हैं, हमारा बच्चा बहुत दिन से 2 महीने हो गए बीमार है, डेंगू बुखार है, और हमारे घरों में जाकर देखो कितने कीड़े हो रहे हैं सभी लोग। सर, यहाँ पे जो है पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है निकलने की, और हमें जो है 2 साल हो गए यहाँ पे, और प्रधान के पास हम जो है कम से कम 100 बार चले गए, वो सुनने को तैयार नहीं है। सेक्रेटरी साहब हैं, वो सुनने को तैयार नहीं है, और कोई अधिकारी आता है तो देख के चला जाता है बस, और उससे आगे कुछ नहीं होता। कितने दिन से ये समस्या आ रही है आपको? ये हमें लगभग 2 साल से यही समस्या है, और यहाँ पे जो है हमारे जो बच्चे हैं वो भी बीमार हो रहे हैं, मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इससे जो है, और कोरोना काल में भी मतलब इसकी सफाई का कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। वैसे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सफाई सफाई सफाई, लेकिन कोई सफाई नहीं हो रही यहाँ पे। विगत दिन राजगढ़ की थाना मलावर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस कार्यवाही के तहत पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली सहित 5 मोटरसाइकिल बरामद की है और साथ ही 11 लाख की मसरूका भी जब्त की है। वहीं पुलिस ने चोरी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी सनम भील, राहुल भील, विनोद भील, रघुवर सिंह राजपूत और कुमेर सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया है। बता दें, आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया था, जहां से आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। बीते दिन उज्जैन अंबोदिया रोड पर रातड़िया गांव के पास एक चौपहिया वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ है। वहीं राहगीरों ने 108 की मदद से बाइक सवार को जिला अस्पताल भेजा। बताया जा रहा है कि घायल बाइक सवार अंबोदिया से उज्जैन की ओर लौट रहा था, इसी दौरान रास्ते में यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। ये घटना हुई है रातड़िया गांव के पास, एक एक्सीडेंट हुआ था जिसको 108 को सूचना मिली, और यह घटना 3:15 की है, और यहाँ एक व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, इसके पैरों में फ्रैक्चर हो गए, पैर फ्रैक्चर हो गए, इसको जिला अस्पताल लाया गया। ये जा रहा था ना, ये अंबोदिया से सूचना मिलने पर अंबोदिया से रातड़िया जा नरवर जा रहा था। कौन है, कहाँ के रहने वाले? ये नरवर के हैं सर, रहने वाले। नाम क्या है? इसका है गोपीलाल, पिता सेवाराम। आपका नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर वदीलाल दांगी है, और लोकेशन भैरोगढ़, जिला उज्जैन, 108 एम्बुलेंस। प्रदेश सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के छात्रों को बड़ी सौगात दी है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि हमारी सरकार ने जूनियर डॉक्टरों के लिए बीमा योजना लागू करने का निर्णय लिया है, जो कि देश में पहली बार शुरू की जा रही है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि नर्सिंग व पैरामेडिकल की शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र छात्राओं को उनके अध्ययन काल के दौरान बीमे का कवरेज मेडिकल कॉलेज द्वारा दिया जाएगा। मंत्री सारंग के मुताबिक 2 लाख रुपए का मेडिकल क्लेम उपलब्ध कराया जाएगा, साथ ही इस योजना में 10 लाख रुपए स्थायी मृत्यु पर और दिव्यांगता पर 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा। सिंह चौहान जी के नेतृत्व में
मध्य प्रदेश हर स्तर पर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और इसी उद्देश्य को लेकर मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना जो संभवतः देश में पहली बार लागू की जा रही है उसकी शुरुआत करने वाला है। आज हम इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हम इसकी लॉन्चिंग करेंगे। हमारे विभाग के अंतर्गत चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के अध्ययन के काल में उनको बीमा का कवरेज देने की योजना हमारे विभाग ने लागू करने का निर्णय लिया है, जो देश में संभवतः पहली बार शुरू की जा रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज़।